जे चांदे उड़ता नु मिलन खबर ते दब दो घंटिया पड़न दबो ओ ना भाई ना गुस्सा नहीं दब दियो शिवसेना नेता दे भरा मुकेश नैयर दे कतल दी की वजह से पुलिस ने पावे कतल दे दोषी गिरफ्तार कर लेते। पुलिस ने दावा किया कि इस दे पिछे दी वजह लुट सी, पर हुन इस कतलकांड नू लेके नवा मोड़ आ गया। परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिस विच मृतक दी पत्नी उसका भरा ते होर लीडर ते शहर के लोग शामिल होए ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया कि पुलिस अफसर इस गल नू उड़ा रहे ने कि इस कतल दे पिछे दी वजह नजायज संबंध है। इस परिवार ने मांग की है कि इस कतल केस की जांच NIA या CBI को करवाई जाए क्योंकि कतल फंडिंग करवा के होया है। तुहानू दस दिए कि पंजाब च बीते कुछ समय शिवसेना के कई लीडर के कतल होए सी। इस मामले नू भी उन्होंने कतलों नाल जोड़िया गया सी, पर पुलिस ने खुलासा कर दिता सी कि इस कतल के पिछे की वजह एक रंजिश नहीं बल्कि लुट है। पर परिवार का कहना है कि इस कतल के पिछे की वजह कोई रंजिश है, राजनीतिक रंजिश के चलद्या एक कतल होया। तो आप ही सुन लवो परिवार ने लाए कि इल्जाम। दैनिक मेल पंजाबी TV लाई बटाला तो जसविंदर सिंह की रिपोर्ट वेखो। देखो जो पुलिस नू हर एक क्लू असी दिता, असी उन्हां नू कहा कि आ ब्लड जिहड़ा 3-4 जगह ते पिया होया उन्हां दी जांच कीती जाए, सानू अज तक नहीं कुछ पता लगा। ठीक है, दूसरी गल आपां कोई भी चीज़ आ अहीं नाम नहीं लैंदे, पुलिस की करदी पई है सानू ओह चाहीदा। ठीक है, दूसरा मेरा उपर सरकार तक हाथ जोड़ के बेनती है कि जो भी हो रहा है इह हफ्ते तक सानू क्लीयर करन, मेरे हसबैंड दे कातलां नू सामने लियान। मैं जी ये पर इन्ना ही की है जी जांच पुछदी आ ये कंप्लीट नहीं हैगी, इस कंप्लीट किया जाए क्योंकि ये मगर जोड़े लोग ने जिन्होंने फंडिंग की उन्होंने बारे कि एजेंसियों ने करवाया वो बारे जी आप SSP साहब को मांग करते, पंजाब सरकार को मांग करते कि यू जी पूरी दुध तो पानी का पानी किया जाए। सिर्फ जो प्यार बटाले जनता ने सानू दिता हजमी करके इन्होंने फैलाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस साढ़ा जो छोटा भरा मुकेश नैयर है जो पिछले दिन बड़ी बेआरामी कतल होया, अज तक जिनी भी जांच हुई है साडा परिवार उस जांच तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है क्योंकि पुलिस कहती है कि ये लुट खोह के मसले नाल कतल होया, जबकि जो साढ़े भरा को ज्वेलरी सी जो जेब च कैश सीगा वह मौके पर बरामद होया। तो सब तो पहला तो पुलिस तो यही उंगल खड़ी होंगी है वह अगर लुट खोह सी तो फिर उन्होंने ज्वेलरी उनके कोल क्यों, फिर वो लुट खो करके ज्वेलरी ला देंगे। इस करके जी जांच है सही दिशा वाले पासे नहीं गई है, परिवार का पूरे बटाले शहर का रोष है कि जांच वधिया तरीके होनी चाहिए है। लेकिन आप बार बार पुलिस सानू आश्वासन दे रही है लेकिन कर कुछ नहीं रही, तो मैं लगता कि साढ़े परिवार को जोड़ा है आदरणीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एक हफ्ते का टाइम पुलिस ने अपना दिता, नहीं तो एक हफ्ते बाद आप एक पटीशन दायर कर जा रहे हैं वो पर आप देखा कि सेंटर की किसी भी एजेंसी को अपना जांच की मांग NIA को CBI को इस केस की जी जांच हैगी NIA या CBI की करे तो जो सच्चाई सामने आ, क्योंकि पुलिस कह रही है कि स्कूटी नहर चो बरामद की, असी कह रहे भी स्कूटी के 1.5 लाख रुपया सेगा, पुलिस कह रही है 15,000 रुपया सेगा। अगर 15,000 रुपया तो पुलिस को अगर स्कूटी जो पुलिस ने बरामद की है मीडिया के सामने उस नहर के स्कूटी कढ़ दे, मीडिया के सामने वो डिग्गी का लाग तोड़ के दस दे भी वो बरामद होया, आप किस तरह मान लीए भी 1.5 लाख रुपया वो पिया हो तो वो पुलिस अच्छ कह रही है भी 15,000 बरामद हो, सारिया चीज़ा जी है ये शक के घेरे में। आप पुलिस की जांच से 5% भी संतुष्ट नहीं है, अपनी संतुष्टि वास्ते
ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਆ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਓ। ਸੱਤ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚਨਬਣ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰੋ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋਮੈਕਸ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਸੌਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫਦਾ ਵੇਖੋ। 7082844950। ਪੰਡਿਤ ਐਮ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਪੰਡਿਤ ਐਮ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾਓ ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ। ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 97793995।